मेरा नाम है डाइटिशियन नताशा मोहन और आज के वीडियो में बेहद इंटरेस्टिंग और वेरी स्पेशल हाई डिमांड मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा मजेदार डाइट प्लान जिसको सिर्फ एक दिन भी फॉलो करेंगे तो बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे से आपका वेट लॉस भी होगा और इंच लॉस भी। आई एम श्योर आप सब लोग एक्साइटेड है इस वीडियो को देखने के लिए। ये एक ऐसा एक्साइटिंग डाइट प्लान है और इतना बजट फ्रेंडली, इतना आसान बनाने में कि इसमें सिर्फ एक ऐसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हुआ है जिसको अगर आपने अच्छे से सोच समझ के इस पूरे वीडियो को अंत तक देख के एज इट इज फॉलो किया तो बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों की ब्लोटिंग, एसिडिटी, जितनी भी प्रॉब्लम है सबका समाधान है इसी वीडियो में। अब आप लोगों को तो पता ही है जब डाइटिंग करने की सोचो तब उसी टाइम उसी वीक में आप लोगों को कोई ना कोई न्योता जरूर आ जाता है, चाहे तो पार्टी का हो, शादी का हो या कोई भी और फंक्शन का हो। मेरे साथ भी यही होता था, जब डाइटिंग करने की सोचो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती थी जिसकी वजह से मेरी डाइटिंग में बहुत सारी मुसीबतें आती थी। मेरे को क्रेविंग्स हो जाती थी बाहर का खाना देख के और मैं खा पी लेती थी। उस टाइम पे गिल्टी तो बहुत महसूस होता है लेकिन ये नहीं पता कि अगले दिन ऐसा क्या खाएं या क्या करें जिससे हमारा वो जो एकदम से बढ़ा हुआ वजन है उसको कैसे कम कर सके। तो आज का डाइट प्लान है उसी के लिए। इसको आप एज ए डिटॉक्स या फिर क्लेंजिंग डाइट प्लान भी ले सकते हैं जिसमें आपको ना ही वीकनेस होगी ना ही आपको कोई भी कमजोरी या कोई भी डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि इसके अंदर है प्रॉपर मील्स। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस डाइट प्लान का। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन जल्दी से पहले मेरे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, क्योंकि आज का जो डाइट प्लान है बड़ा ही साइंटिफिक है। एकदम कैलकुलेटेड तरीके से मैं आप सबको समझाऊंगी जिससे एकदम से बाहर का खाना खाने से जो एकदम से पेट बढ़ जाता है उसको अंदर करने का सही तरीका है ये। आफ्टर ऑल पतली कमर तो चाहिए सबको, लेकिन ये नहीं पता होता कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स अपने ही किचन में मौजूद हैं जिसको खा के आप लोग आसानी से पतले हो सकते हैं। क्यों भाई बाहर का ये इतना महंगा वाला खाना खाना या फिर ऐसी ऐसी चीजें, एक्जॉटिक सब्जियों के नाम जिनके बारे में आप वैसे भी नहीं जानते और ना ही बाद में फॉलो करेंगे। तो आप कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट आज मैं आपको डिस्क्लोज करूंगी ऑलरेडी आप लोगों की किचन में मौजूद ही है। नो मोर एक्सक्यूजेस कि जी मेरे पास ये सामान नहीं था, ये नहीं था। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर इंडियन किचन हाउस होल्ड में पाया जाता है। तो इंतजार किस बात का है, आइए मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला एक्साइटिंग डाइट प्लान। तो आइए शुरू करते हैं सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत सुबह 6 और 7 बजे के बीच में, जिसमें आपने उठते ही लेना है 2 ग्लास गुनगुना पानी। ये ऐसी चीज है जो आपके पुराने सारे पाप धोने की क्षमता रखता है। जितनी भी आपके शरीर के अंदर जमा गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं या फिर पुराना मल, सब कुछ निकल के बाहर गिरेगा अगर आप सुबह सुबह खाली पेट 2 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पियेंगे। तो इसको लीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपको नाश्ते में। दोस्तों इस डाइट प्लान में नो एक्सक्यूजेस एंड नो चेंजेस एंड नो डिविएशंस। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे ही आपने पूरी तरह से इस डाइट प्लान को फॉलो करना है। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ये मत पूछिएगा कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह क्या खाएं। आपने इस डाइट प्लान को एज इट इज बिल्कुल फॉलो करना है, इसीलिए इतनी आसान से बनने वाली चीजें मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो आइए देखते हैं नाश्ते में क्या है। देखिए मैं ये बड़ा ही मजेदार सा सैंडविच खा रही हूँ। ये इतना ईजी है बनाने में एंड ट्रस्ट मी झटपट चुटकी बजाते ही मिनटों में बनके तैयार हो गया था। ना ज्यादा तामझाम और ना ही ज्यादा झंझट। आप ही क्यों, घर वालों को भी यही खिलाइएगा, बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमारी तो डाइटिंग हो रही है। उनके लिए एक नई डिश हो जाएगी और आप सबके लिए डाइटिंग। आइए इसको बनाने की विधि देखते हैं। इस एक्साइटिंग ब्रेकफास्ट सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे एक बैटर, जिसके लिए हम लेंगे रागी का आटा 1.5 चम्मच, नमक, काली मिर्च और हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और एक घोल के तरह इसको तैयार कर लेंगे। पानी कम से कम 4 से 5 चम्मच तक डल जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई सब्जियां, जैसे कि हरा धनिया है, प्याज है, गाजर, बीन्स और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर स्प्राउट्स और बंद गोभी। स्प्राउट्स मैंने लिया है तकरीबन 30 ग्राम और बाकी की सारी सब्जियां है 1 बड़ा चम्मच। अब हम लेंगे एक आटा ब्रेड, उसका एक स्लाइस बहुत ही कम तेल के साथ। पहले हम ब्रेड को एकदम करारा
होने तक सेक लेंगे। फिर उसके ऊपर ये स्प्राउट्स का लेप लगाकर दोनों तरफ से अच्छे से पकाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बड़ा ही पौष्टिक मील ऑप्शन है। इसको अगर आप नाश्ते में लेंगे तो सुबह सुबह आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, एकदम न्यूट्रिएंट से लोडेड, और ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है और साथ ही फाइबर की मात्रा में भी भरपूर है। दिस इज द परफेक्ट वे टू बिगिन योर डे। आई एम श्योर आप लोग ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करना चाहेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया बढ़िया सा नाश्ता, लेकिन इसके साथ में आपने लेनी है एक ग्लास छाछ। छाछ बनाने का भी तरीका जल्दी से आइए देख लेते हैं। इस मजेदार छाछ को बनाने के लिए हम लेंगे आधा खीरा और हम डाल देंगे उसके अंदर चंद कड़ी पत्ते। फिर हम डालेंगे हरा धनिया और हम डालेंगे इसके अंदर फ्लैक्स सीड पाउडर जो की है रोस्टेड। अब शाही जीरा डाल देंगे और डालेंगे थोड़ी सी अदरक। दो बड़े चम्मच दही का इस्तेमाल करेंगे, चुटकी भर काला नमक, खूब सारी बर्फ और पानी डाल के अपने लिए बढ़िया से रिफ्रेशिंग टॉल ग्लास ऑफ दिस वेरी छाछ बना लेंगे। ये बड़ी ही अच्छी रेसिपी है। अब नाश्ता तो आप सबने ले लिया सुबह 8:30 बजे एंड आई एम श्योर आप सबने एंजॉय भी खूब किया होगा, लेकिन आज का स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट है। चीटिंग नॉट अलाउड और आपने टाइम बाय टाइम जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही इस पूरे के पूरे स्केड्यूल को फॉलो करना है। तो अब घड़ी में बज रहे हैं 10:30 और ये राइट टाइम है आप सबका फ्रूट्स खाने का, लेकिन इस बारी अपने मनपसंद कोई भी फ्रूट्स नहीं चलेंगे। जो जो मैं ऑप्शंस दे रही हूँ उसमें से ही एक अलाउड है। आप ले सकते हैं या तो एक होल एप्पल जो कि है मीडियम साइज का, और प्लीज एप्पल को वॉश करके स्किन के साथ ही लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ एक बोल भर के पपाया यानी कि 100 ग्राम, या फिर आप चाहें तो 100 ग्राम मेलन तरबूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करिएगा। मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया है डन, मैं मिलूंगी आपको लंच में। अब मेरी घड़ी में बज रहा है 1 और ये राइट टाइम है आप सबका अपना लंच लेने का, क्योंकि लंच अगर टाइम पे नहीं लिया तो डेफिनेटली बाद में इतनी ज्यादा हंगर पैंग्स और क्रेविंग्स हो जाएंगी कि ओवर ईटिंग होने का पूरा पूरा चांस है। तो प्लीज आज का टाइम टेबल जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे ही फॉलो करिएगा। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 पूरा फुलका जो कि है गेहूं के आटे का ही बना हुआ, उसके साथ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा घी उसके ऊपर। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे मूंग साबुत की दाल जो कि हरे रंग की होती है, कटोरी भर के खाइए। उसके साथ में सब्जी लीजिए और लीजिए प्लेट भर के सलाद। साथ में 1 ग्लास छाछ लेना ना भूलें। एकदम पतली सी जो छाछ बनती है वो बहुत ही ताजगी और ठंडक का एहसास देती है और आपकी डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस मील को एज इट इज़ खाइएगा, आज के दिन चावल भी नॉट अलाउड। एज इट इज़ इजी कॉम्बिनेशन को लीजिएगा और फिर देखिए बहुत अच्छा महसूस होगा। इट्स अ प्रोटीन रिच मील विद द राइट अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड द राइट अमाउंट ऑफ फाइबर। इसको एज इट इज़ ज़रूर खाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं गैस करा कि वो वाला सीक्रेट इन्ग्रीडियंट, एक ऐसा इन्ग्रीडियंट कौन सा वाला है जिसके बलबूते पे आज पूरी की पूरी डाइट चार्ट हमने बनाई है, वो है मूंग साबुत की दाल। सुबह हमने लिया था उसको स्प्राउट्स के फॉर्म में और लंच में हम ले रहे हैं उसको एज इट इज, जो नॉर्मल तरीके से घर घर में बनाई जाती है एज अ दाल। अब जल्दी से अपना लंच एंजॉय कर लीजिए, मैं मिलूंगी आपको इवनिंग टी के टाइम। दोस्तों अब लंच तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन काफी लोग हैं जिनको है स्लो डाइजेशन की प्रॉब्लम, तो उनके लिए मैं लेकर आई हूँ बड़ी ही मजेदार ग्रीन टी का ऑप्शन। ये आपने लेना है अपने लंच के तकरीबन 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद इसलिए क्योंकि ये आपको न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन में हिंडर बिल्कुल भी नहीं करेगी और आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी तेज कर देगी। जो भी स्लो डाइजेशन है आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसके लिए ग्रीन टी जरूर लीजिएगा शार्प एट 2 PM। मेरी घड़ी में बज रहे हैं 6 और ये राइट टाइम है आप लोगों का सपर लेने का। सपर का मतलब अर्ली डिनर। जिन लोगों के पेट में ऑलरेडी चूहे दौड़ रहे हैं उनको तो बहुत ज्यादा खुशी होगी ये सुन के कि अब जल्दी से अपना खाना खाने का टाइम आ चुका है। तो आइए मैं दिखाती हूँ आज की मजेदार शानदार सपर रेसिपी जो कि है कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। दिस इज जस्ट द परफेक्ट चॉइस व्हाट यू नीड राइट नाउ। और इसके अंदर भी एग्जैक्टली वही इंग्रेडिएंट है जो है हमारी जादुई मूंग साबुत की दाल। घर घर में पाई जाती है, सदियों से खाई जा रही है और तो और इतनी बजट फ्रेंडली कि पूछिए ही मत। आइए इसे बनाते हैं एक मजेदार चटपटी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो आप सबको बेहद पसंद आएगी।
इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे तकरीबन 100 ग्राम उबली हुई साबुत मूंग की दाल। फिर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे कि बंद गोभी है और मैं यहाँ पे अंबी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, और बाकी की हरी सब्जियां जो आम उमन तौर पे आपके घर पे होती ही हैं, जैसे कि गाजर है, शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा और प्याज। इन सबको एक बड़े चम्मच की क्वांटिटी में डालेंगे और फिर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अब मैं यहाँ पे रोस्टेड मखाने का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि कच्चे नहीं एकदम ड्राई रोस्टेड हैं बिना किसी नमक और मिर्च के, वो मैं डाल रही हूँ 10 ग्राम। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी चंद मसाले जैसे कि नमक, काली मिर्च, और मैं डालूंगी अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, और डालेंगे इसके अंदर नींबू। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऊपर से डाल देंगे रोस्टेड सेसमे सीड्स। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस रेसिपी को एज इट इज जरूर ट्राई करिएगा। अब 6 बजे आप लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया है, लेकिन 8 बजे जब आपकी फैमिली वाले खाना खा रहे होते हैं तो आप लोग क्या लेंगे? आप लेंगे एक टॉल ग्लास ऑफ मिल्क, विच इज अबाउट 200 ml। अपने आप को भूखा रखने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से एक ग्लास भर के दूध पीजिएगा। कंसिडर इट एज अ मील बाय इटसेल्फ। This also has a lot of vitamins, minerals and it's loaded with a lot of nutrients. तो ये एक right choice है उन लोगों के लिए जिनको इस time पे भूख लग रही है। तो आप बेझिझक होके low fat toned या skim milk ले सकते हैं, about 200 ml. Enjoy to the fullest and I'm sure you won't be hungry till late. तो ये था आज का मजेदार शानदार diet plan. लेकिन अगर इसमें चंद चीजों का ध्यान नहीं रखा गया तो आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। जो लोग इस वीडियो में अंत तक बने हैं उन्हीं को इस वीडियो का असली बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी उन ऐसी चंद चीजों के बारे में जिनको आपने ध्यान में जरूर रखना है व्हाइल फॉलोइंग दिस डाइट प्लान। दोस्तों सबसे पहली बात तो इस प्लान को फॉलो करते टाइम आपने लेना है दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी, और आप लोगों ने डेली रूटीन में चाहे घर के अंदर ही चलिए फिरिए अपने आप को हल्का फुल्का एक्टिव रखना है। बहुत ज्यादा नहीं, नॉट अबाउट 10,000 steps, लेकिन कम से कम 5,000 steps तो आपने पूरे करने ही करने हैं आज की डेट में। और आप लोगों ने रात को निश्चिंत होकर 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। दिस इज अ लो कैलोरी मील प्लान जिससे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, वीकनेस भी नहीं होगी। और अगर आप चाहें इसको सिर्फ एक दिन नहीं 2 या 3 दिन तक भी फॉलो कर सकते हैं, बट कृपया करके इसको 3 दिन से ज्यादा फॉलो ना करें। अगर आपके पास इस डाइट प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और जिन लोगों ने मेरा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करा है वो लोग सिर्फ ये वाला डिटॉक्स ही नहीं लेते, उसके अलावा और कौन कौन से मील्स खाते हैं पूरे दिन में, आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बड़े ही इंटरेस्टिंग मील ऑप्शंस हैं जो हमारे क्लाइंट्स खाते हैं डेली रूटीन में। खाते पीते हंसते खेलते अगर वजन कम हो जाए तो और क्या चाहिए। इसी को तो कहते हैं राइट चॉइस विद अ सस्टेनेबल डाइट। अगर खाना पीना छोड़ के ही पतले होना है स्टार्व करके ही तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन बाद में जब खाना खाना शुरू करेंगे तो 99% लोग जब वो पतले होते हैं उससे डबल मोटे हो जाते हैं बाद में, इसी के चलते, क्योंकि वो सस्टेनेबल डाइट नहीं चूज करते। सो हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो ऑन अ हाई नोट। आई सिंसियरली प्रे एंड होप कि इस वीडियो को फॉलो करके देख रही सारी औरतें जल्दी से पतली भी हो जाए और सबकी पतली कमर भी आ जाए। तो अगर आप लोगों ने आज का वीडियो बेहद एंजॉय किया जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड आई विल सी यू सून विद मेनी मेनी मोर एक्साइटिंग वीडियोस। अंटिल देन टेक केयर।